मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, एक्सिस बताना जरूरी है, एक्सिस फिर से क्या है, सेंटर है। डिस्क किससे बनी हुई है, देखो डिस्क का टोटल, डिस्क इज नॉट अ पॉइंट मास, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये तरीका है M1, M2, M3 ढूंढू, वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो हो नहीं सकता। तो मैं ये मानता हूँ कि जो डिस्क है वो किससे बनी हुई है, बहुत सारी रिंग्स से। कैसे, अगर आपको डिस्क बनानी है, अगर आपको डिस्क बनानी है तो आप एक एक रिंग लो जिसका रेडियस जीरो है, तो पॉइंट बनेगा। इसके इसके आसपास एक और रिंग लगा दो, इसके आसपास एक और रिंग लगा दो जिसकी थिकनेस है, तो रिंग के बाहर रिंग के बाहर रिंग के बाहर रिंग के बाहर भरते जाओ चिपका दो, तो क्या बन जाएगी, डिस्क। तो डिस्क किससे बनी हुई है, बहुत सारी इमेजिन करो रिंग से बनी हुई है। जैसे ये डायग्राम है, ये डिस्क है, डिस्क किससे बनी हुई है, बहुत सारी रिंग से जिसकी कोई थिकनेस है डी आर। तो इस रिंग के अंदर भी रिंग्स हैं और बाहर भी रिंग्स हैं, आपस में कोई स्पेसिंग नहीं है, तो क्या बन जाएगी, डिस्क। तो रिंग किससे बनी हुई थी, छोटे छोटे डीएक्स से। तो डिस्क किससे बनी हुई है, रिंग से। तो किससे बनी हुई टर्म को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, एलिमेंट्री पोर्शन। तो डिस्क का एलिमेंट्री पोर्शन कौन है, रिंग, मतलब किससे बनी हुई है, रिंग से। लॉजिक ये है, हम सबसे पहले इस रिंग का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, रिंग का। ऐसी बहुत सारी रिंग्स हैं एंड सेंटर से लेकर एंड तक, उन सभी रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिला लेंगे, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, डिस्क का। अब रिंग देखो, जितनी भी रिंग्स हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला लूं अगर मैं, तो किसका बन जाएगा, डिस्क का। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, एक रिंग ले लेता हूं, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं, और निकाल क्या लेता हूं, वो तो मुझे ऑलरेडी आता है, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी पहले किया, mr स्क्वायर होता है, तो वो फॉर्मूला मैं अप्लाई करके रिंग का तो निकाल ही सकता हूं, और ऐसे सभी रिंग्स का मिला के डिस्क का निकाल लूंगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, लॉजिक इसमें क्या लगेगा, ठीक है। तो डिस्क का मास m है और रेडियस इसमें r है, इस डिस्क का, इस डिस्क में से एक कोई रिंग कंसिडर कर लो, कोई मर्जी। तो मैंने एक रिंग कंसिडर कर ली बीच में से, जिसका मैं स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा। ये रिंग का आर्बिटरी रेडियस कितना है, छोटा r, छोटा r वेरिएबल है क्योंकि हर रिंग का डिफरेंट है, और इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर, थोड़ी इसकी थिकनेस भी है डी आर, क्लियर है। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मास मान लो डी एम है, जो भी मास होगा, मास ऑफ रिंग इन टू रेडियस ऑफ रिंग का स्क्वायर। तो इस रिंग का मास, मास ऑफ रिंग इन टू रेडियस ऑफ रिंग छोटा आर स्क्वायर विल गिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। अब डिस्क के सामने रिंग छोटी है, तो रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखा, डी आई। तो डिस्क के टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखेंगे, आई। तो रिंग उसके सामने छोटी, एलिमेंट्री पोर्शन, तो डी आई। तो डी आई क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, रिंग का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्लियर है। अब एक काम मुझे करना है, रिंग का क्या निकालना है, फिर से मास। अगर रिंग का मास आ जाए तो मैं पुट करके डी आई निकाल लूंगा, डी आई से इंटीग्रेट करके आई निकाल लूंगा। अब रिंग का मास निकालने के लिए देखना पड़ता है कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसे था, लेंथ वाइज। डिस्क में कैसा होता है, एरिया वाइज। अब अगर टोटल एरिया डिस्क का पाई आर स्क्वायर है तो मास कितना है, एम है। अगर वन है, एम बाई पाई आर स्क्वायर है। और अगर आप मुझे किसका एरिया बता दो, रिंग का, तो मैं रिंग का मास निकाल दूंगा। अब फिर प्रॉब्लम फंस गई, वो क्या, मैं चला था रिंग का मास निकालने, पर मास निकालने के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिंग का एरिया। चलो रिंग का एरिया निकालते हैं पहले, पहले निकलेगा एरिया, फिर निकलेगा मास, फिर निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो पहले एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ ये डिस्क, ये रिंग क्या होगा, शेडेड एरिया। ये शेडेड एरिया होगा आउटर सर्कल का एरिया, आउटर सर्कल का रेडियस पता है क्या है, आर प्लस डी आर, क्योंकि अंदर का रेडियस आर है तो बाहर का डी आर ऐड कर दो, आर प्लस डी आर, और अंदर का सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं आउटर सर्कल एरिया में से अंदर के सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो ये बचा हुआ शेडेड एरिया चेक करो, ये देखो इधर चेक करो, पाई इंटू आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। स्टेप क्लियर है। अगर मैं इसे ओपन करूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, डी आर बहुत छोटा होता है, इसका स्क्वायर और भी छोटा होता है, निगलेक्टेड है, आंसर ये आ जाएगा
ये आ जाएगा एरिया। आज के बाद अगर एरिया ऑफ रिंग ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं लगाना, इसका क्रॉस कर सकते हो। आपने शॉर्टकट लगाना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रिंग इनटू थिकनेस ऑफ अ रिंग। तो हमारा जो रिंग है उसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 2πr, और थिकनेस कितनी है, dr। बस इसे बॉक्स में डाल लो, एरिया ऑफ अ रिंग निकालने का शॉर्टकट है 2πr इनटू dr। क्या ये पॉइंट क्लियर? मैंने मेथड बता दिया कि आया कैसे, पर आपको मेथड लगाना नहीं है, आपको शॉर्टकट लगाना है 2πr इनटू dr। ये स्टेप क्लियर है? चलो वापस चलते हैं। अगर एरिया डिस्क का पाई आर स्क्वायर है तो मास क्या है, m, 1 है तो m बाय पाई आर स्क्वायर, और अगर एरिया रिंग का 2πr इनटू dr है तो मास कितना है, m बाय पाई आर स्क्वायर इनटू 2πr इनटू dr। ये किसका मास आया, रिंग का। क्या ये स्टेप क्लियर है? रिंग का मास आ गया जिसका नाम मैंने dm दिया। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मास इनटू स्मॉल r स्क्वायर, रिंग का मास हमने निकाल लिया, पुट कर दिया पूरे का पूरा इनटू स्मॉल r स्क्वायर, जो यहां से मास निकाला ये पूरे का पूरा dm यहां पे पुट कर दिया। ये स्टेप क्लियर है? इसमें पाई से पाई कैंसिल तो डी आई आ गया, और मुझे क्या करना है, ये तो रिंग का आया, मुझे डिस्क का निकालना है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर है, तो जो पहली रिंग पड़ेगी उसका रेडियस होगा जीरो, और जो आखिरी पुट करेंगे उसका रेडियस डिस्क जितना होगा कैपिटल आर, तो लिमिट क्या लगेगी, जीरो से कैपिटल आर। तो आर क्यूब की इंटीग्रेशन आर 4/4, लिमिट पुट करेंगे कैपिटल आर, तो आंसर क्या आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये बॉक्स वाला फॉर्मूला याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एम आर स्क्वायर, डिस्क का क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर।